सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग इन आकाश टाइम एजुकेशन। और एक बहुत अच्छा अपडेट एंड बहुत ही खुशी का अपडेट आप सब लोगों के लिए है कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी पे आपको देखने को मिलेगा आपका डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। आकाश टाइम एजुकेशन पे मैं आपको प्रोवाइड बार बार कर रहा हूँ, हर एक बार कर रहा हूँ डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का अपडेट। तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड एज वेल एज आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज सब लोगों को इस टाइम पे अप्लाई करना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोग PDF जो है डाउनलोड कर लिए हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। द फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक कोर्सेज अगेंस्ट वैकेंट टू वैकेंसी 2021 एलिजिबिलिटी आप लोग देख सकते हो। पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल इन वेस्ट बंगाल, आपको वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होना पड़ेगा। Wbjee 2021 का एक वैलिड मेरिट रैंक होना आपके पास जरूरी है एंड दैट्स व्हाई लास्ट पॉइंट देख सकते हो, अलॉटमेंट शैल बी मेड स्ट्रिक्टली एंड प्रेफरेंस ऑफ ए कैंडिडेट। आप देख सकते हो वैकेंसीज, देख सकते हो ह्यूज वैकेंसीज मैं बोल रहा हूँ ह्यूज वैकेंसीज, बिकॉज डिसेंट्रलाइज्ड के दरमियान आपको CSE में इतना ज्यादा वैकेंसी नहीं मिलता, जहाँ पे जनरल पे ओनली जनरल सीट्स पे आप देख सकते हो 10-10 वैकेंसीज है जनरल सीट पे। आप देख सकते हो टोटल 13 वैकेंसीज है इन जनरल, टोटल 13 वैकेंसीज है इन CSE। आप IT पे देख सकते हो 10 वैकेंसीज एंड लेजर टेक्नोलॉजी पे 13 वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा वैकेंसीज निकली है, ठीक है, आप लोग प्लीज अप्लाई कर दो। आपका जो आप देख सकते हो बिफोर आपको अप्लाई करना पड़ेगा 17 तारीख शाम को 5 बजे से पहले, आज 14 तारीख है तो आपके पास 2-3 दिन टाइम है, आप लोग अप्लाई कर देना। कैंडिडेट्स नीड टू अपलोड Wbjee 2021 रैंक कार्ड एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट अलोंग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इफ अगर आप लोग STSC तो आपको ये जो है STSC OBC PW अपलोड द रेस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट दे विल बी ट्रीटेड एज जनरल, बिकॉज STSC OBC का आपका जो वैकेंसी नहीं है इसीलिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं है, आपको नेचुरली जनरल कैटेगरी से आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा, ओके। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर ड्यू डेट टाइम शैल नॉट बी कंसीडर्ड, मतलब आपका अगर जो डेट है टाइम है 17 तारीख उससे बाद अगर आप लोग करो तो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे है, मैं PDF जो है मेरे ग्रुप पे डाल दूंगा, आप लोग ग्रुप पे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है ज्वाइन हो जाओ, वहां पे मैं ये डाल दूंगा फॉर्म का लिंक वगैरह वहां पे मैं डाल दूंगा, आप लोग अप्लाई कर लेना। अच्छा, आप देख सकते हो कि मेरिट लिस्ट आपका 20 तारीख को टेंटेटिवली निकलेगा और कैंडिडेट्स विल बी कैंसल्ड कॉल्ड फॉर द मेरिट लिस्ट फॉर GMR फॉर काउंसिलिंग एडमिशन 2022 तारीख को आपको बुलाया जाएगा। 20 तारीख को आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, आपको 22 तारीख को बुलाया जाएगा कॉलेज में, ठीक है। सो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। अच्छा, कोई क्वेरी है तो आप लोग ये जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है इस पे आप क्वेरी पूछ सकते हो। दैट्स द इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज आप लोग अप्लाई कीजिए एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि एज सुन एज पॉसिबल वीडियो को जितना दूर तक हो सके फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, बिकॉज ऐसे ऐसे अपडेट आपको यूट्यूब पे मिलते नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज 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 शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।